हर भाषा अपना अपना तरीका रखती है और इसलिए अपनी भाषा जिंदा रखना, उसको पालना पोसना बढ़ाना, उसको और आगे जाने के लिए चालना देना, उसके वैभव बढ़ते रहे, इस तरह के काम करना, यह हर भाषिक का प्राथमिक कर्तव्य बनता है। जितना प्यार हमें हमारे देश के बारे में है, देश के प्रति है, उतना ही प्यार हमें हमारे भाषा के प्रति होना चाहिए। ये कहा जाता है कि हमें दो माताएं होती है, एक इंसानी माता और दूसरी भाषा, क्योंकि जब से हम होश संभालते हैं, जब बच्चा आंख खोलता है, तब से इंसान के बिल्कुल अंतिम क्षण तक वो भाषा के साथ जुड़ा रहता है। और बोडो स्टूडेंट यूनियन ने बोडो भाषा के लिए जो काम किया, उसकी प्रशंसा में जितने शब्दों में करूं वो कम है, लेकिन इस भाषा को ज्ञान की भाषा का बनाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि दुनिया की बहुत सारी भाषाएं डिजिटली डेड है। यूरोप में कुछ 76 भाषाएं है और उसमें से यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि 14 यूरोपियन भाषा डिजिटली डेड है, उनका डिजिटल मृत्यु हुआ है। मैं जब मेरी देश की भाषाओं की सोचता हूँ तो हमारे देश में तकरीबन 800 भाषाएं हैं। उस 800 भाषा में से 785 डिजिटली पैदा भी नहीं हुई है, उनका जन्म भी नहीं हुआ है डिजिट्स में, साइबर स्पेस में। इसलिए आने वाले समय में जो भाषाएं डिजिटल स्पेस में नहीं है उनको मृत भाषा माना जाएगा। हमने एक हमारा गोल तो हासिल किया है, बोडो भाषा बंधारण के संविधान के 8वें परिशिष्ट में जा तो पहुंची है, लेकिन अब हमारा दूसरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम डिजिटल स्पेस में हमारा कदम रखें। और मैं आपको विनती करता हूं, बड़े दिल से विनती करता हूं, नम्रता से विनती करता हूं, इस सम्मेलन में आप जितने रेजोल्यूशन करेंगे उतने करें, लेकिन और एक अन्य रेजोल्यूशन भी जरूर करें, और वो रेजोल्यूशन होगा कि हर साल हम बोडो भाषा कम से कम 200 वेबसाइट्स बनाएंगे। बोडो भाषा का जो वेबसाइट आने लगे और ये काम युवा कर सकते हैं। 50 साल पहले विद्यार्थी युवा भाषिक जो काम कर रहे थे उससे अलग काम इस पीढ़ी के युवाओं को, विद्यार्थियों को, भाषिकों को करना चाहिए। और डिजिटल प्रेजेंस के लिए आप इंडिविजुअली प्रयत्न कर सकते हैं, वो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो ये समझना बड़ा जरूरी है। 19वीं सदी के शुरू में भारत में जितनी भाषाएं थी उसमें से कुछ ही भाषा प्रिंट में आई, और जो भाषा प्रिंट में आई उन्हीं भाषाओं को 20वीं सदी के मध्य में जब देश आजाद हुआ तो राज्य मिलने लगे, और जिनकी